दोस्तों, क्या आपको पता है विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? किस उम्र वर्ग के लोगों को इसकी कमी होने की सबसे अधिकांश संभावना रहती है? अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी हो गई हो तो कौन सी बीमारियां हो सकती है? आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जा सके। लोगों को विटामिन B12 की कमी होना आम बात है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। आइए आज अपन विटामिन B12 के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। विटामिन B12 की कमी के मुख्य कारण। शरीर में विटामिन B12 की कमी से होने वाले कारणों में से मुख्यतः कारण निम्न प्रकार से हैं, जैसे उचित मात्रा में अवशोषण न होना। जैसे आप जिस आहार का सेवन करते हैं उससे शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण होता है। अगर शरीर सही तरह से विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पा रहा है तो इसकी कमी हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में आहार का सेवन न करना। विटामिन B12 युक्त आहार का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं करने से भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार शाकाहारी आहार की तुलना में मांसाहारी आहार में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए अगर शाकाहारी भोजन करने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 युक्त आहार का सेवन न करें तो भी उनमें इस विटामिन की कमी हो सकती है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो शुरुआती दौर में इसके लक्षण पहचान में नहीं आते। जब लोगों को इससे संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती है तब जांच कराने के बाद इसकी कमी का पता चलता है। इसलिए इसके लक्षण की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। इसकी कमी से गर्भवती महिलाएं प्राय स्वास्थ्य संबंधित कई तरह की परेशानियों से जूझती रहती है। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए गर्भकाल के दौरान इसकी जांच अवश्य करवानी चाहिए। जिनको विटामिन B12 की कमी होती है वे स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में तनाव या चिंता से जल्द प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपको यह महसूस होने लगे कि आपको आंखों की रोशनी संबंधित परेशानी हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की कमी के कारण भी आंखों से संबंधित विकार हो सकते हैं। शारीरिक कमजोरी और थकान विटामिन B12 की कमी के मुख्यतः संकेत हैं। विटामिन B12 की कमी के कारण भूख में कमी आती है और कब्ज जैसे समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारियाँ। विटामिन B12 की कमी से कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ बीमारियों का इलाज तो आसानी से कराया जा सकता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं। इन बीमारियों के कारण मरीज को बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जैसे एनीमिया। विटामिन बी से होने वाली कई गंभीर समस्याओं में से एक है एनीमिया। जरूरी बात यह है कि अगर समय पर पता लगाकर जांच नहीं कराया गया तो एनीमिया मरीज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। हड्डियों से संबंधित बीमारी। शोध के अनुसार इसकी कमी से हड्डी से संबंधित कई रोग हो सकते हैं, जैसे कमर और पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। भूलने की बीमारी, यह विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसी मानसिक बीमारी को लोग प्राय गंभीरता से नहीं लेते, जिससे रोगी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण बार बार महसूस होने लगे तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, हमने आज आपके साथ शेयर की विटामिन B12 से संबंधित लक्षण और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन B12 के कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप नेचुरल तरीके से विटामिन B12 ले सकते हैं। यदि आप मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो मांस, मछली इत्यादि में विटामिन B12 की मात्रा बहुत प्रॉपर रूप में होती है। आप इनका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में प्राय विटामिन B12 की पूर्ति होती रहती है। मगर यदि आप मांसाहारी भोजन नहीं करते, आप शाकाहारी हैं, तो आपको अपने फूड में कुछ विटामिन B12 युक्त भोजन ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप दूध अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, इससे विटामिन B12 आपको मिलेगा। इसके अलावा आप नियमित रूप से चावल का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी विटामिन B12 की कमी
को रोकता है। दोस्तों, आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मिलने वाले उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप इस जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप इससे रिलेटेड और नई जानकारियों को ध्यान में रखना चाहते हैं। धन्यवाद।